इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप किस तरह YU4711 मोबाइल में किस तरह टाइम एंड डेट सेट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। तो आपको सबसे पहले सेटिंग्स में जाना है, उसके बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पर आपको दिखाई देगा डेट एंड टाइम, तो आपको इस पर क्लिक करना है। फिर आपको कुछ इस तरह दिखाई देगा, यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा है सेट टाइम, ऊपर सेट डेट। तो मैं सेट टाइम पर क्लिक करता हूँ तो इस पर क्लिक नहीं हो रहा है, सेट डेट पर क्लिक करता हूँ तो इस पर भी क्लिक नहीं हो रहा है। तो ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि अभी ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक डेट एंड टाइम जो है इनेबल है। तो हमको टाइम एंड डेट सेट करने से पहले इसे डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं इसे डिसेबल कर देता हूँ और अब मैं सेट टाइम पर क्लिक करता हूँ। तो अभी क्लिक हो गया। तो मैं सबसे पहले यहाँ से मुझे आवर चेंज करना है, तो मैं पहले यहाँ पर आपको आवर चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना है। मैं 3 घंटा और मिनट चेंज करने के लिए इस पर क्लिक करना है और 40 मिनट कर देता हूँ। उसके बाद एएम पीएम के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं दिखाई दे रहा है, तो मैं एएम कर देता हूँ और फिर आपको ओके कर देना है। इस तरह आप टाइम सेट कर सकते हैं। और अब आते हैं डेट कैसे सेट करते हैं देखते हैं। तो मैं सेट डेट पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर जो ईयर दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है और मैं इसे 2020 कर देता हूँ। उसके बाद आपको मंथ चेंज करने के लिए इसे स्क्रॉल करना है इस तरह, और मैं मंथ कर देता हूँ नवंबर। और फिर आपको डे यहाँ से चूज़ कर लेना है, मैं चूज़ कर लेता हूँ 4। तो मैंने इस तरह ईयर मंथ और डे चूज़ कर लिया और फिर आपको ओके कर देना है। तो इस तरह आप टाइम एंड डेट सेट कर सकते हैं।